हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएच व्हाइट हाउस प्लान, दैट इज लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी। जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो में कि आरएच व्हाइट हाउस प्लान जो है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर आरएच व्हाइट हाउस, हु वाज फॉर्मरली प्रिंसिपल इन सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर। एंड दिस प्लान वॉज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड प्लान बाय द पंजाब गवर्नमेंट for construction of high school labs. As far as dimensions are concerned, I have already drawn the dimension. The structure is rectangular, in which the width of the lab is recommended. It was 25 feet, whereas length was 45 feet. So I am also going to dark this second width, draw it side by side. It would be easier for you to understand the mapping. Now on this side I'm leaving some gap, this gap is for the door, construction of door. So this is the rectangular structure, 45 feet by 25 feet. As you all know, 1 feet is equal to 12 inches. इसको हम डिनोट करते हैं फीट को सिंगल डैश के साथ और इंचेस को हम डिनोट करते हैं डबल डैश के साथ. सो हम ये कह सकते हैं हाफ feet, 0.5, half feet, half feet is equal to 6 inches, right? So start करते हैं. सबसे पहले dimension जब हमने ली 45 by 25, इसमें half जो है space रखा गया laboratory के लिए और half space रखा गया lecture room के लिए. तो हम imaginary जो है plan कर रहे हैं यहां पर, like इसमें से जो ये लोअर हाफ है इस लाइन तक जो इस तरफ का हिस्सा है इसको हमने रखा लेक्चर रूम के लिए. लेट मी ड्रॉ अ लाइन विद अ पेंसिल टू मेक यू क्लियर. ये है हमारा लेक्चर रूम और इधर ये आ गई हमारी लेबोरेटरी. नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्स की. वॉल्स की जो विड्थ है दैट इज 1.6 फीट. इसको ड्रॉ कर लीजिए. सो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वॉल की विड्थ हम बना रहे हैं जो कि 1.5 फीट है, 1.5 फीट. Now the other side, you may use scale while drawing this. I'm drawing with the free hand, so it might be having some variation regarding width. So yahan main note kar rahi hu width of wall 1 feet 6 inches, ya isko hum 1.5 फीट भी लिख सकते हैं. इस प्लान में डिस्टेम्पर वाइट वॉशिंग के लिए जो है डिस्टेम्पर को रिकमेंड नहीं किया गया. दे सेड कि वाइट वॉश इज कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वन. एंड एज फार एज फ्लोर इज कंसर्न्ड, मार्बल फ्लोर इज नॉट रिकमेंडेड. इट वॉज रिकमेंडेड स्मूथ सीमेंटेड फ्लोर शुड बी देयर फॉर द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द स्टूडेंट्स. कॉर्नर्स के लिए दे सेड कि इफ स्कूल वॉन्ट्स दे कैन मेक राउंड कॉर्नर्स, इट मीन्स राउंड कॉर्नर्स वर रिकमेंडेड, बट इट इज गिवन द चॉइस टू द स्कूल
that choice was with the school because round corners are comfortable to clean. But it is not strictly recommended. That's why we have drawn the corners properly, edged corner, not the round corners. Now, concerning the door. Regarding door, see, यहां मैं आपको दो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूं. अगेन हेयर इसका क्या मतलब है. पहली बात तो डोर जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट है, सिंगल डोर नहीं है. नो डाउट उसका पर्पस है जगह को बचाना, स्पेस को सेव करना. दूसरा ये डोर जो है बाहर की तरफ आउटवर्डली ओपन होंगे जिससे लेबोरेटरी का जो इंटरनल स्पेस है उसको बचाया जा सके. और मोर ओवर अगर कोई लैब में एक्सीडेंट है, स्टूडेंट हैव टू रश आउट, दे कैन रश इट इजली. नाउ रिगार्डिंग द फर्निशिंग, इस प्लान में ओवरऑल 8 अलमीराज रिकमेंड की गई. ड्रॉ करेंगे अलमीराज. सो ये है हमारी फर्स्ट अलमीराज, ए से डिनोट कर रहे हैं इसको हम. सेकेंड अलमीरा, थर्ड अलमीरा. साइज को आप अगेन, आई एम अगेन रिकमेंडिंग यू कि इसको हम स्केल से ड्रॉ करेंगे. और सिमिलरली लेबोरेटरी रूम में भी है 3 अलमीराज, 1 एग्जैक्टली ऑपोजिट रखा गया इस प्लान में. देखो जहां पर लेक्चर रूम में अलमीराज थी उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ही यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं अलमीरा. और दो अलमीराज हमारी जो है इस डोर के बीच में जो हमारी वॉल आ रही है उसमें बना रहे हैं हम. ये थोड़ी सी जो है इसका एज जो है हम दिखा रहे हैं. सी आई हैव क्रॉस्ड दिस लाइन व्हाइल ड्राइंग दिस अलमीरा. थोड़ा सा जो है ये लेबोरेटरी की तरफ इसमें है इसकी पोजीशन. सो ओवरऑल 1, 2, 3 अलमीराज ये बेसिकली रिकमेंड की गई टीचर के लिए ताकि टीचर जो है अपना सामान, रजिस्टर्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑपरेटर्स इफ एनी इज रिक्वायर्ड कैन बी पुट हियर. एंड नो डाउट ये 3 अलमीराज जो है ये लेबोरेटरी के ऑपरेटर्स को रखने के लिए है, उसके इक्विपमेंट के लिए है. इसको हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग अलग हम इसे रख सकते हैं बिकॉज हाई स्कूल है. हाई स्कूल में वी डोंट हैव द सेपरेट सब्जेक्ट, वी हैव सब्जेक्ट ऑफ साइंस ओनली. And these two almiras are for classroom purpose. So overall, 8 almiras hogi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now, is corner mein ek sink recommend kiya gaya. Aur teacher ke liye ek table. So ye hai teacher's table. Isko main denote kari hu T ke saath. Ye teacher ke purpose ke liye hai. अगर टीचर कोई डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में देता है तो उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वन नीड्स टेबल. और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फॉर वॉशिंग हैंड्स सिंक इज अवेलेबल इन द लेक्चर रूम. इन दोनों अलमीराज के बीच में देर इज ब्लैक बोर्ड. द डायमेंशन ऑफ ब्लैक बोर्ड इज 10 फीट बाय 4 फीट. इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है और जो चौड़ाई है ब्लैक बोर्ड की दैट इज 4 फीट. एंड दिस इज 3 फीट अबव द ग्राउंड लेवल. जमीन से जो ब्लैक बोर्ड है 3 फीट ऊपर रखा गया है. इट मीन्स जमीन से अगर हम इसको नापते हैं तो 7 फीट का डिस्टेंस हमें टोटल ब्लैक बोर्ड के खत्म होने तक नजर आएगा. इसमें हम अलमीराज की डायमेंशन छोड़ गए हैं, चेक कर रहे हैं दोबारा से.
द डायमेंशन ऑफ अलमीरा इज 5 feet by 7 feet. सी 5 feet क्या है उसकी चौड़ाई है और 7 feet उसकी हाइट है h. 5 feet इज विड्थ, सो 5 by 7. इस अलमीरा की जो शेल्फ विड्थ है अगेन वो 1.5 feet है, 1 feet 6 inches. हमने कहा था वॉल भी 1 feet 6 inches है. किस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई है? वॉल के पीछे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये 6 inches छोड़ दिया गया. यहां से दीवार जो है वो 6 inches की है, तो इसका मतलब 1 feet जो है अलमीरा ने दीवार का लिया और 6 inch वो आगे बाहर उसको निकाल लिया गया शेल्फ को. सो दिस अलमीरा इज प्रोट्यूडिंग आउट. तो अगेन इसका मतलब यहां पे हम फिर मार्क कर रहे हैं कि अलमीरा की विड्थ भी कितनी है, 1 feet 6 inches, जिसमें से 1 feet वॉल के अंदर है और 6 inches इट इज प्रोट्यूडिंग आउट, बाहर निकली हुई है. नाउ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रूम में फर्नीचर की बात करते हैं. स्टूडेंट्स के लिए यहां पर ड्यूल टेबल्स रिकमेंड किए गए. बेसिकली इस प्लान में 40 स्टूडेंट लेक्चर रूम में लेक्चर अटेंड करेंगे, जबकि लेबोरेटरी के लिए एक टाइम में 20 स्टूडेंट का प्रोविजन रखा गया. सो यहां पर ड्यूल टेबल्स है, 4 कॉलम बनेंगे हमारे, 1, 2, 3, 4. ड्यूल टेबल का मतलब हर टेबल के साथ 2 चेयर्स होंगी. सो आई एम ड्रॉइंग इट फास्टली. ये एक लाइन में 5 टेबल लगाने हैं हमने. सो साइज इसका हम डिस्कस करते हैं, कंप्लीट ड्रॉ कर लीजिए. सो 5 टेबल्स विद 2 चेयर्स ईच. सो एक लाइन में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स आ गए, 4 लाइन्स हैं, ऑब्वियसली 40 स्टूडेंट्स कैन सिट इन द लेक्चर रूम. सो दिस इज द 3rd लाइन ऑफ फर्नीचर एंड सिमिलरली द 4th वन. डायमेंशन की डिस्कस करते हैं. एक टेबल और एक चेयर के लिए मैं यहां पे अलग से बनाकर दिखा रही हूं आपको. लाइक अगर ये टेबल है और ये चेयर है तो इसके लिए 3.5 feet, 3.5 feet by 3.5 feet, 3.5 feet एरिया कवर करेगा एक सेट ऑफ टेबल एंड 2 चेयर्स. डायमेंशन इसका मतलब जो टेबल की डायमेंशन है, लेंथ है यहां पर, दैट इज 3.5 फीट, 3.5 फीट का है, जिसको हम 3 feet 6 inches भी कह सकते हैं. इसकी विड्थ, दैट इज टेबल इज 1 feet 6 inches वाइड, 1.5 फीट ही और 1.5 फीट. आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर. और टेबल की हाइट कितनी है, दैट इज हाइट इज 2 फीट. सो टेबल की डायमेंशन लिख लेते हैं, ये हो गया 3.5 फीट इंटू 1.5 फीट इंटू 2 फीट. 2 फीट हाइट है, 1.5 फीट जो है हमारी इसमें विड्थ है, 3.5 फीट, 3.5 फीट जो है दैट इज लॉन्ग टेबल. So this way the total area and the area covered by table and dual chairs is given. So in this plan total 40 chairs
and 20 tables, dual tables are there. Now, इसके बाद चलते हैं हम. This is all about lecture room. Obviously, अगर इसको आप count करोगे तो 3 feet 6 inches जो है एक टेबल है, 3.5 feet का टेबल है और 4 table का मतलब ये हो गए 7 and 7, 14. और अगर हम यहां दीवार गिने 3 3 inch, दैट इज नॉट 3 3 inch, सॉरी 1.5 feet थी, तो 3 feet ओवरऑल हो गई, तो दैट इज 17 feet आपकी हो गई. तो अगर यहां पे हम स्पेस की बात करें तो जो ये वाला वॉकिंग स्पेस है इन बिटवीन एंड दिस स्पेस लेफ्ट ओवर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 feet के बीच में बनेगा, जो कि बहुत सफिशियंट है टीचर और स्टूडेंट्स के मूव करने के लिए. इस प्लान में अगर हम टेबल चेयर की बात करें तो गैलरी सिस्टम नहीं रिकमेंड किया गया. जिस तरह से हम लेक्चर गैलरी की बात करते हैं उस चीज को नहीं डिस्कस रिकमेंड किया गया, बिकॉज ऐसी जो नॉर्मल चेयर टेबल है, एक तो ये नेचुरल सिटिंग अरेंजमेंट है, स्टूडेंट्स के निकलने के लिए पैसेज भी इजी हो जाता है एंड द स्टूडेंट कैन इरेक्ट लाइक इजिली व्हेन वन इज आस्क्ड टू स्टैंड, वन कैन स्टैंड इरेक्ट इजिली. और स्कूल के लिए जो यही फर्नीचर है हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज में ला सकते हैं. अगर हमें किसी पर्पस के लिए चाहिए, कोई चेयर चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कोई और फंक्शन है, तो इवन दिस फर्नीचर कैन बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस. सो दिस इज कंपैरेटिवली एंड मोर ओवर गैलरी प्लान इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन द नॉर्मल दिस प्लान. सो इस प्लान को इकोनॉमिकल रखा गया, दैट इज वाई लेक्चर गैलरी इज नॉट रिकमेंडेड. देन आगे चलते हैं. इस लेक्चर रूम के बाद अगेन वॉल में से थोड़ा सा एरिया बाहर निकाला गया. कितना है अगेन 1 feet शेल्फ, 6 inch छोड़ दिए पीछे हमने. अगेन आई एम डार्किंग हियर. ये क्या है, ये वॉल में से हमने पीछे 6 inch छोड़ के एक शेल्फ क्रिएट कर ली है. द पर्पस ऑफ दिस शेल्फ इज फॉर कीपिंग बैलेंसेज. सो दिस इज रिसेस फॉर कीपिंग बैलेंसेज. बैलेंसेज हो, माइक्रोस्कोप्स हो, जो भी है इस तरह से हम इसमें रख सकते हैं. अब वेंटिलेशन की अगर बात करें, डोर्स के ऑपोजिट वाली वॉल में, मीन्स इस जगह पर अलमीराज के ऑपोजिट के एरिया में, यहां पर जो है 2 windows रिकमेंड की गई और 1 window जो है वो इस साइड ऑपोजिट टू डोर अगेन रिकमेंड की गई फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन. सो ये वाला जो यहां पे लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, आई एम डार्किंग इट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पहले है जो शेल्फ हमने क्रिएट की थी बैलेंस रखने के लिए. और ये हमारा आ गया 3rd window. सो यहां पर मैं W W and W लिख रही हूं फॉर द विंडोज. विंडोज की जो डायमेंशन है बहुत सिंपल है, आप लर्न कर सकते हैं. 1 feet ज्यादा है अलमीरा से, दैट इज 6 feet अक्रॉस एंड 8 feet हाइट, 6 by 8. और इस प्लान में डिस्कस किया गया कि ये जो विंडो की जो शेल्फ है, विंडो के सामने जो शेल्फ बच जाती है, इसको बोलते हैं हम विंडो सिल्ट, SILT, विंडो सिल्ट. तो नो डाउट विंडो सिल्ट में भी बच्चे जो है, इफ इट इज रिक्वायर्ड दे कैन कीप देयर बैलेंस इन एंड माइक्रोस्कोप नियर द विंडोज. तो उसके लिए इट इज डिस्कस की गई कि हम विंडो को 2 split में, लाइक उसका जो लोअर हाफ और अपर हाफ में 2 split में इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से अपर हाफ जो है बाहर की तरफ खुलेगा जबकि लोअर हाफ को हम फिक्स कर देंगे बाय अटैचिंग विद अ वायर गॉज, ताकि वहां से हवा भी आती रहे और लाइट भी प्रॉपर जो है वो उसका अंदर एंट्रेंस में, बच्चे यहां पर अपना इसको यूज कर सके. तो ये जो है अगेन विंडो को लोअर हाफ इज फिक्स्ड, अपर हाफ इज मूवेबल रखा गया. आगे चलते हैं लेबोरेटरी की तरफ. लेबोरेटरी में 5 long tables
like dining table sort of tables were recommended. So students, यहाँ पर हमने जो है 5 tables draw कर लिए laboratory room में. एक table पे मैंने 4 dots draw किए. 4 dots means 4 students will stand on one table while doing their practicals. तो overall 5 tables है. तो हमारे पास जो है 20 students का provision है in the laboratory. और इस table के dimension 6 feet by 3.5 feet, 6 feet वर्सेस 3.5 feet जो है इसमें रखी गई. लॉन्ग टेबल्स है. और जबकि टीचर के लिए यहाँ मैंने टीचर डाल दिया टीचर्स टेबल, ये एक स्क्वायरिश टेबल रिकमेंड किया गया 3.5 feet ईच, दैट इज 3.5 feet by 3.5 feet. और इस टेबल को लेड के साथ कोट किया गया ताकि इसमें टीचर वाइल गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन दिस टेबल शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड. और लास्ट में जो हमने इसमें ऐड किया दैट इज ड्रेनिंग बोर्ड अलोंग विथ सिंक. एस स्टैंड फॉर सिंक एंड डी बी इज ड्रेनिंग बोर्ड. ड्रेनिंग बोर्ड लाइक बच्चे जो है अपने अपरेटस इक्विपमेंट यूज करने के बाद सिंक में वॉश करके ड्रेनिंग बोर्ड पर ड्राई होने के लिए रखेंगे. सिमिलरली द वन मोर ड्रेनिंग बोर्ड एंड सिंक वॉज शोन हेयर इन द ऑपोजिट वॉल नियर द डोर. सो दिस इज ऑल अबाउट RH White House plan. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. इस plan के जो benefits हैं वो हम note कर लें. First of all, ये plan जो है एक economical plan है जिसमें बहुत ही कम space के अंदर lecture room और laboratory को show किया गया. Compact plan है. Number third, sitting arrangement बहुत comfortable शो किया गया. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर गैलरी को रिकमेंड नहीं किया गया था. देन फर्नीचर जो है हमने इसका फर्निशिंग जो की है चाहे वो डाइनिंग टेबल सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल टेबल्स है या टीचर्स टेबल है बहुत चीपली फर्निश किया गया है. और इसमें जो क्लास कंट्रोल है चाहे वो लेक्चर रूम में टीचर खड़ा है या लेबोरेटरी बिकॉज मूवमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पर क्लास कंट्रोल बहुत इजिली किया जा सकता है. उसके अलावा क्योंकि लेबोरेटरी लेक्चर रूम के साथ ही है अटैच्ड ही है सो यहाँ पर जो साइंटिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो हम वेल इमेजिन कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द RH White House plan. थैंक यू सो मच.